और इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। दिल्ली में अस्पताल में मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें इस वक्त सीधे अस्पताल से सामने आ रही हैं, जहां आजम खान बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, तमाम डॉक्टर्स की टीम है, अब्दुल्ला आजम नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और उसके बाद ये फोटो सामने आई है। अखिलेश यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये फोटो शेयर किए हैं और डॉक्टर्स की टीम और अब्दुल्ला आजम भी फोटो में दिखाई दे रहे हैं। मुलाकात के बाद अब दिल्ली से वापस लौटेंगे अखिलेश यादव, लेकिन फिलहाल ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें अखिलेश यादव मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर गंगाराम अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें जहां आजम खान और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई है। रामपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है और कहा यह जा रहा है कि 2 घंटे तक आजम खान और अखिलेश यादव ने अकेले मुलाकात की है, बंद कमरे में अकेले बातचीत हुई और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर वापस आए। तो मुलाकात के बाद अब दिल्ली से लखनऊ की ओर जा सकते हैं अखिलेश यादव। फिलहाल अखिलेश यादव ने उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं की हैं और कहा है कि जल्दी स्वस्थ होकर के आप वापस आइए और फिर से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करिए। अखिलेश यादव ने खुद मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो अब वायरल हो रही हैं। डॉक्टर्स की टीम इन तस्वीरों में दिख रही है, अब्दुल्ला आजम खड़े हुए हैं, साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी खड़े हुए हैं। आजम खान की तबीयत नासाज हालांकि तस्वीरों में दिख रही है, वो बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव साथ में हैं। फिलहाल अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है, कहा है कि अच्छी सेहत के लिए वो दुआएं कर रहे हैं और जल्दी आप वापस आइए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात की हैं। अखिलेश यादव ने खुद ये तस्वीरें अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आजम खान के परिवार के कुछ सदस्य हैं, डॉक्टर्स, कुछ तस्वीरें भी हैं, डॉक्टर्स की टीम है जो आजम खान का इलाज कर रहे हैं, वो चिकित्सक भी मौजूद हैं और अखिलेश यादव ने उन डॉक्टर्स से बात करके भी आजम खान के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हो गई है, 2 घंटे तक दोनों ने बंद कमरे में बातचीत की है। कहा यह जा रहा है कि रामपुर उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है उस पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है।